वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल इकोनॉमिक्स अर्थ। आज के इस व्याख्यान में हम लोग कोलूजिव ओलिगोपोली संधिपूर्ण अल्पाधिकार के अंतर्गत कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को हल करेंगे और उस माध्यम से फलनात्मक समीकरणों के माध्यम से जो बाजार के मांग फलन और फर्मों के लागत फलन के दिए हुए होने पर हम हल करेंगे और जिसके माध्यम से हम ये देखेंगे कि जब अल्पाधिकार में उत्पादक आपस में संधि कर लेते हैं और वैसी स्थिति में वो मोनोपोली पावर प्राप्त कर लेते हैं, एक तरह से एकाधिकार का अंश उसमें आ जाता है या एक तरह से पूर्ण अधिकारी एकाधिकारी जैसे वो व्यवहार करते हैं, वैसी स्थिति में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, मूल्य कितना निर्धारित होता है और विभिन्न जो फर्में हैं वे कुल उत्पादन में कितना कितना हिस्सा बाजार में बेचती हैं, अर्थात मार्केटिंग मार्केट शेयरिंग कैसे होती है विभिन्न विक्रेताओं या उत्पादकों के मध्य में। हम फिर तुलनात्मक रूप से देखने का प्रयास करेंगे कि अगर ये कोलूजिव ओलिगोपोली न होता और ये नॉन कोलूजिव होता जिसमें सभी फर्में वैयक्तिक तौर पर अपने अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से लेती और प्रतियोगिता करती, वैसे स्थिति में बाजार का मूल्य क्या होगा और इन फर्मों को जो लाभ मिलेगा वो कितना होगा और ये फर्में बाजार में कुल उत्पादन के कितने कितने अंश की आपूर्ति करेंगी। और फिर दोनों को तुलनात्मक रूप में देखेंगे कि उत्पादन पर, मूल्य पर, उनके लाभों पर और उनको मार्केटिंग शेयरिंग पर किस तरह के प्रभाव या दोनों स्थितियों में किस तरह के अंतर परिलक्षित होते हैं। तो हम अपना अध्ययन एक उदाहरण के माध्यम से हल करते हैं और देखते हैं कि दोनों में किस तरह की गतिविधियां चलती हैं और किस तरह के परिणाम हमारे समक्ष आते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है, ये मार्केट का डिमांड फंक्शन है और क्योंकि बाजार में दो ही उत्पादक हैं, पहली फर्म एक है और एक फर्म दो है जिसको हम फर्म वन फर्म टू कह रहे हैं और फर्म वन वाई वन का उत्पादन कर रही, फर्म टू वाई टू का उत्पादन कर रही है। तो बाजार में जो मांग को ये पूरी करने वाली वस्तु हैं उनको हम वाई वन वाई टू के रूप में देखते हैं, जो एक ही वस्तु की मात्राएं हैं दो फर्मों द्वारा बेची जाती है क्योंकि वस्तु होमोजेनियस है, समरूप है। तो ये फलन जो है ये दोनों वस्तुओं के मात्रा पर निर्भर करेगा और वो जो उसका रूप है वो ये है 24 माइनस, और दोनों फर्मों को अलग अलग हम मात्राओं को दिखा रहे हैं वाई वन प्लस वाई टू, और जब इनको हम फलन को खोलेंगे तो ये माइनस फुल के बरेकट ये दो सब माइनस होंगे, तो 24 माइनस वाई वन माइनस वाई टू ये हमारा जो है ये फंक्शन हो जाएगा, डिमांड का फंक्शन जो मार्केट का फंक्शन। और इस मांग फलन को अगर हम मांग फलन कीमत के रूप में दिया है, पी के टर्म में दिया हुआ है, और अगर इसमें हम क्वांटिटी का गुणा कर दें तो ये हमें टोटल रेवेन्यू मिल जाएगी, और क्वांटिटी को हम दो भागों में बांट रहे हैं क्यू वन प्लस क्यू टू। इस नाते इस डिमांड फंक्शन में जब हम क्यू वन प्लस क्यू टू से गुणा करेंगे तो पूरे मार्केट की कुल बिक्री से होने वाली कुल आय ज्ञात हो जाएगी। और इसी तरह से दोनों फर्मों के कास्ट फंक्शंस दिए हुए हैं, ये टोटल कास्ट को डिनोट कर रहे हैं, फर्म एक की लागत उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा पर निर्भर करेगी, फर्म टू की लागत उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा वाई टू पर निर्भर करेगी, और इस नाते इनके फंक्शन सी टू के मतलब फर्म टू के फंक्शन वाई टू के टर्म में होंगे, फर्म वन के फंक्शन वाई वन के टर्म में होंगे, और ये फंक्शन टोटल कास्ट के फंक्शन फर्स्ट फर्म का है y1 स्क्वायर और दूसरी फर्म का है y2 स्क्वायर।
और अगर दोनों की लागत को हम देखेंगे कुल कितनी लागत है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा वो सी वन वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर, ये टोटल कास्ट होगी। और टोटल रेवेन्यू हमने बता दिया कि डिमांड फंक्शन में क्यू वन प्लस क्यू टू का गुणा कर देंगे और टोटल रेवेन्यू में से टोटल कास्ट घटा देंगे तो प्रॉफिट फंक्शन मिल जाएंगे। तो हम प्रॉफिट फंक्शन इसलिए हमको निकालना है कि प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज हम करेंगे, क्योंकि लक्ष्य यही है कोलूजन का कि ज्वाइंट प्रॉफिट को या टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमम कर दिया जाए। तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जब ये मैक्सिमम होगा तो उस स्थिति में दोनों फर्म में कितना कितना उत्पादन करें वो हमको निकालना है। तो मार्केट शेयरिंग की हमें पता चल जाएगी, और जब वस्तु की मात्रा पता चल जाएगी कितनी कितनी बेची जाएगी तो मूल्य हमें ज्ञात है, उनके आधार पर हम कुल आय, कुल लागत, कुल लाभ सब की गणना कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, ये है प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है ये जो दोनों वस्तुओं की मात्रा का फलन होगा। और इस रूप में देखिए, ये डिमांड फंक्शन है, इसमें हमने वाई वन प्लस वाई टू से गुणा करके ये टोटल कास्ट निकाल दी, इस माइनस के पहले टोटल कास्ट है, और ये दोनों की लागतों को जोड़ लिया है, कुल लागत है ये इंडस्ट्री की, और इसको घटा दिया और जो आएगा वो होगी टोटल प्रॉफिट। और अब घटाएंगे जब, ये पहले गुणा कर लिया इसका वाई वन से गुणा करेंगे पूरे फलन को, तो ये हो जाएगा 24y1 माइनस वाई वन स्क्वायर माइनस वाई वन वाई टू, और जब हम इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24y2 प्लस में है ये, लेकिन ये दोनों चिन्ह फिर माइनस हो जाएंगे, y1 y2 और y2 स्क्वायर, और ये घटा देंगे y1 स्क्वायर, और ये ऋण खुल के ये भी ऋण बना देगा y2 स्क्वायर। और इसको जब हल करेंगे तो तीन जगह y2 स्क्वायर दो जगह है, y1 स्क्वायर दो जगह है, y1 y2 दो जगह है, तो ये डबल हो जाएंगे, 2 2 सब में लग जाएगा, और ये 24y2 प्लस है, 24y1 प्लस है, 24y1 प्लस, 24y2 यहाँ प्लस, और सब माइनस में 2 कर दिया, 2y1 स्क्वायर 2y1 2y2 2y2 स्क्वायर, तो ये कुल मिला के ये पूरा फंक्शन प्रॉफिट का फंक्शन ये हमें मिल गया है। इसी फलन को हमको मैक्सिमाइज करना है, और इस फलन को मैक्सिमाइज करने की जो शर्त होती है वो ये होती है कि प्रॉफिट फंक्शन अगर है तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकाल के उसका मान जीरो करें, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं y1 y2, इस नाते डिफ्रेंसिएशन जो होगा वो पार्शियल होगा, एक को कांस्टेंट मान के दूसरे का हम अवकलन करेंगे, और वैसी स्थिति में जब अवकलन करेंगे तो ये देखिए पहली फर्म का जो प्रॉफिट फंक्शन होगा वो नहीं, सॉरी, ये टोटल प्रॉफिट फंक्शन है, पहली फर्म के उत्पादन के सापेक्ष इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये मैक्सिमाइजेशन की ये शर्त है, डेल्टा पाई अपॉन डेल्टा वाई वन डेल्टा पाई अपॉन डेल्टा वाई टू इज इक्वल टू टू, तो दोनों इज इक्वल टू जीरो, सबका मान जीरो होगा, दोनों एक दूसरे बराबर भी हो जाएंगे इस रूप में। और पहले हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वाई वन के रेफरेंस में, और जब वाई वन का डिफ्रेंशिएशन यहाँ करेंगे प्रॉफिट फंक्शन में, तो हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 2 4 वाई वन, ये हो जाएगा 2 y2, क्योंकि वाई वन का अवकलन 1 हो जाएगा, ये बचा, इसका मान 0 करेंगे, और ये फंक्शन को इन दोनों माइनस को एक तरफ कर देंगे उधर, तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, और फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं 4y1 प्लस 2y2 इज इक्वल टू 24। ऐसे ही हम y2 के सापेक्ष इसी प्रॉफिट फंक्शन का अवकलन करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, इसमें y2 है नहीं, इसमें y2 है नहीं 0, इसमें y2 है, तो ये बचेगा माइनस 2y1, ये बचेगा प्लस 24, और ये बचेगा 2 2 4 y2, और जो रूप आएगा ये है 24 माइनस 2y1 माइनस 4y2 इज इक्वल टू 0, और इसके भी दोनों फलनों को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2y1 प्लस 4y2 इज इक्वल टू 24। इन दोनों समीकरणों को हम हल कर सकते हैं, यहाँ 4y1 यहाँ 2y1 है, इसमें हम दो पूरे फलन में 2 का गुणा करेंगे, ये दोनों बराबर हो जाएगा, माइनस करके कट हो जाएगा, अथवा इसमें हम 2 का गुणा कर दें और तब फिर ये 4y कट के फिर जो मान आएगा वो हल होके आएगा, y1 का मान भी 4 आएगा, y2 का मान भी 4 आएगा, हमने इसको लिख दिया है कि ये सॉल्विंग एबव इक्वेशंस वी गेट y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू 4, मतलब दोनों का मान 4 आ जाएगा, और जब दोनों का मान 4 आएगा तो इसका मतलब हुआ
कि दोनों फर्में चार चार इकाई का उत्पादन करेंगे अगर, तो फर्म का या ज्वाइंट लाभ जो होगा इंडस्ट्री का वो मैक्सिमम हो जाएगा। अब अगर आप ये भी देख सकते हो कि लाभ वो कितना होगा, तो लाभ के फलन में जहाँ वाई वन वाई टू है वहाँ वहाँ फोर आप लिख दें तो हल होके आ जाएगा वो मान। हमारा प्रॉफिट का फंक्शन देखिए यहाँ है, अंततः ये आया है, इसमें जब मान रखेंगे तो जहाँ जहाँ वाई वन वाई वन वाई टू सब जगह तो फोर फोर लिखेंगे, ये फोर यहाँ होगा, यहाँ फोर स्क्वायर होगा, यहाँ भी फोर, यहाँ भी फोर, ये भी फोर स्क्वायर है, यहाँ फोर होगा, ये फोर स्क्वायर यहाँ भी होगा क्योंकि वाई टू है, तो जो हल से होगा ये चौबीस चौका छानबे, ये हो जाएगा चार चौक सोलह दुना बत्तीस, ये हो जाएगा चार चौक सोलह दुना बत्तीस, ये हो जाएगा चार चौक सोलह दुना बत्तीस, ये चौबीस चौक छानबे, दो जगह 96 90 आएगा, तीन जगह 32 32 32 आएगा और हल होके देखिए ये आया, और इस प्रकार से ये हल होके 96 आएगा जो प्रॉफिट है। और अब अगर दोनों बराबर बराबर मात्राएं बेचेंगे, दोनों की वस्तुएं एक ही हैं, तो अगर पूरी इंडस्ट्री का लाभ 96 है तो इन एक एक फर्म का लाभ उसका आधा होगा, तो एक एक का लाभ 48 होगा, पूरे का लाभ 96 होगा। और अगर आप देखना चाहें प्राइस कितना होगा, तो ये प्राइस का फंक्शन ये दिया हुआ है 24 माइनस वाई वन माइनस प्लस वाई टू, तो चार और चार आठ जोड़ दीजिए, 24 में से 8 घटा दीजिए 16 आएगा, ये देखिए नीचे पी का मान जो है वो 16 आएगा। और इसका जो एक हल करके कितना आया मैंने यहाँ अलग लिख दिया है ताकि नॉन कोलिजन वाले स्थिति समय से कंपेयर कर सकें, वाई वन बराबर वाई टू बराबर 4, वाई वन बराबर है 48 और वाई टू बराबर भी 48 है, टोटल प्रॉफिट होगा 96 पूरी इंडस्ट्री का और प्राइस होगी 16। तो ये ओलिगोपोली में हम इसको हल करके इस उदाहरण से या इसी तरह का कोई भी आपको उदाहरण दिया जाए तो इसी प्रक्रिया से आप उसको निकाल सकते हैं। और अब हम इसी उदाहरण को नॉन कोल्यूजन में अर्थात दोनों फर्में आपस में संधि नहीं करेंगी और अलग अलग इंडिविजुअल तौर पर अपने निर्णय लेंगी, अपने अपने लाभों को अधिकतम करेंगी, एक दूसरे से प्रतियोगिता करेंगी जिस रूप में जैसे भी वो करती हों, चाहे कीमत के माध्यम से करती होंगी, चाहे वो क्वांटिटी के माध्यम से करती होंगी, दोनों तरह के मॉडल हम लोग पढ़ चुके हैं। बर्टेंड के मॉडल में कीमत के आधार पर प्रतियोगिता होती है, कूर्नो के मॉडल में क्वांटिटी के आधार पर प्रतियोगिता होती है, और ऐसी स्थिति में जो नॉन कोलिजन की स्थिति में रूप बनेगा वो हम देख सकते हैं। फंक्शन हमारा वही है, पी इज इक्वल टू 24 माइनस वाई वन माइनस वाई टू, और फर्म एक का अगर हम प्रॉफिट फंक्शन निकालेंगे तो इसमें हम वाई वन से गुणा करेंगे, 24 माइनस वाई वन माइनस वाई टू, इसमें वाई वन का गुणा करेंगे तो ये फर्म एक की आय आ जाएगी, इसमें से फर्म एक की लागत को घटा देंगे, ये है वाई वन स्क्वायर, तो ये फंक्शन उसका हो जाएगा प्रॉफिट का, ये हो जाएगा 24 वाई वन माइनस वाई वन स्क्वायर माइनस वाई वन वाई टू और माइनस वाई वन स्क्वायर। और रूप में हम देखेंगे तो ये वाई वन दोनों स्क्वायर हैं, तो ये हो जाएगा 24 वाई वन माइनस टू वाई वन स्क्वायर माइनस वाई वन वाई टू, और इसी फलन को हमको मैक्सिमम करना है। तो ये फलन फर्म वन का प्रॉफिट है, इसको अगर हमको मैक्सिमम करना है तो हमको इस प्रॉफिट फंक्शन का वाई वन के सापेक्ष अवकलन करके उसका मान जीरो करना होगा। अवकलन करिए, 24 ऋण दो दुना चार वाई वन, यहाँ इसका अवकलन एक होगा तो बचेगा केवल वाई टू, इज इक्वल टू जीरो करेंगे, और जब ऐसा करेंगे तो ये देखिए आ जाएगा आपके सामने, ये दोनों धन लिख सकते हैं इस तरह से, 4 वाई वन प्लस वाई टू इज इक्वल टू 24, एक इक्वेशन हमको यहाँ से मिल गई। इसी तरह से हम प्रॉफिट फंक्शन निकाल सकते हैं वाई टू का, और वैसी स्थिति में फर्म टू का, वैसी स्थिति में हम लिखेंगे 24
माइनस वाई वन माइनस वाई टू, इसमें आपकी वाई टू का गुणा करेंगे और कास्ट फंक्शन वाई टू स्क्वायर घटाएंगे जो फर्म टू की लागत है, और अब ये फलन होगा 24 वाई टू माइनस वाई वन माइनस वाई टू माइनस वाई टू स्क्वायर, यहाँ तक आ गया और ये माइनस वाई टू स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी है, और अब इसको लिखेंगे 24 वाई टू माइनस वाई वन वाई टू माइनस, देखिए दो दोनों माइनस है, दोनों स्क्वायर है, जुड़ के टू वाई टू स्क्वायर हो जाएगा। और इसी फंक्शन को अब हम प्रॉफिट को अगर हमको मैक्सिमम करना है इसके वाई टू के, तो ये फंक्शन हो जाएगा 24 माइनस वाई टू का वाई वन माइनस फोर वाई टू, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसे हल करेंगे और मैं आपको दिखा रहा हूं दोनों को हम लोग इस प्रकार से हल कर सकते हैं। और इस रूप में इस फंक्शन को हम जीरो इसका मान करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा y1 प्लस 4y2 इज इक्वल टू 24, ये हमको ये दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। दोनों इक्वेशंस को जब हम हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा y1 का मान भी उतना आएगा, y2 का मान भी उतना आएगा, और ये 4.8 आएंगे। तो इस प्रकार से नान ओलिगोपोली में हम लोग जो ये मान निकालेंगे ये 4.8 आएंगे, और इन मानों को जब हम इनके प्रॉफिट फंक्शंस में लिखेंगे, जब हम इनको प्राइस फंक्शंस में लिखेंगे, तो प्रॉफिट फंक्शन में जब इनको हम इंक्लूड करेंगे तो ये प्रॉफिट आएगी इनकी करीब 45, और पाई टू की भी प्रॉफिट आएगी 45, और जब पी का मान होगा इनमें हम इनको सम्मिलित करेंगे यहाँ पर 4.8 करके 24 में से घटाएंगे तो ये 14.4 आएगा इस रूप में। और अगर हम दोनों के प्रॉफिट को जोड़ के निकालेंगे तो प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट हो जाएगी 90। और अब हम कंपेयर कर सकते हैं, ये देखिए ये नॉन कोलिजन है, जब कोलिजन नहीं होगा वो ऐसी स्थिति में इनके लाभ 45 होंगे, जब कोलिजन होगा तो इनके लाभ 48 होंगे, बढ़ जाएगा कोलिजन में लाभ। जब कोलिजन नहीं होगा तो वस्तुओं की मात्रा होगी Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 4.8, अर्थात दोनों 4.8 इकाई का उत्पादन करेंगे। अब जब कोलिजन होगा तो दोनों की मात्रा घट के हो जाएगी 4, और प्रॉफिट देखिए इसमें 90 हो रहा था, यहाँ प्रॉफिट है 96, और कीमत जो है यहाँ थी 16 और यहाँ 14.4। और इस रूप में हम ये पाते हैं कि जब कोल्यूजन होगा तो वस्तु की मात्रा घटा दी जाती है, कीमत बढ़ जाती है, जिसके माध्यम से और हम स्पष्ट से देख रहे हैं कि यहाँ पर कीमतें जो है कोल्यूजन में बढ़ गई हैं और नॉन कोल्यूजन में ज़्यादा हैं। और इसी रूप में यहाँ पर जो प्रॉफिट देखिए बढ़ गई कोल्यूजन में करने पर, और जब कोल्यूजन नहीं किए थे तो प्रॉफिट कम थी, लाभ भी घट गया है, बढ़ गया है कोल्यूजन में, और दोनों के व्यक्तिगत लाभ भी 48 हो गए हैं 45 से। और ऐसी स्थिति में हमने देख पा रहे हैं कि कोल्यूजन और नॉन कोल्यूजन की स्थितियों में उत्पादन कोल्यूजन में घट जाता है, मूल्य बढ़ जाता है, दोनों के लाभ बढ़ जाते हैं, संयुक्त लाभ बढ़ जाते हैं, कीमत भी बढ़ जाती है, और इस दृष्टि से ये कोल्यूजन का डिफरेंस होता है। हाँ इतना अवश्य है कि कीमतें कोल्यूजन में ज़्यादा होती हैं तो उपभोक्ताओं को इसका नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि
जब ये प्रतियोगिता करते हैं तो वस्तुएं सस्ती मिलती हैं लोगों को, और जब ये आपस में कोल्यूजन कर लेते हैं तो वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, भले ही उत्पादकों के लाभ बढ़ जाते हों, भले ही उनके जो है वैयक्तिक लाभ बढ़ जाते हों। तो उत्पादकों के लिए तो ये एक तरह से लाभप्रद है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि ये कोल्यूजन आसानी से नहीं करते हैं। जब कहीं से इनको प्रतियोगिता करने में दिक्कतें होती हैं, रिस्क लगता है, तब वो मजबूरी में कोल्यूजन करते हैं। कोल्यूजन की न तो हिमायत की जाती है, और कई देशों में तो ये प्रतिबंधित है और एक तरह से इलीगल है और इस नाते, लेकिन जो प्रक्रिया ये अपनाते हैं और जो हम देखते हैं उसे हम पढ़ते और पढ़ाते हैं, और यहाँ उसकी हम वांछनीयता या अवांछनीयता की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये देखने का प्रयास कर रहे थे कि कोल्यूजन होता है तब क्या स्थिति होती है, कोल्यूजन नहीं होता है तब क्या स्थिति है। दोनों स्थितियों को हमने तुलनात्मक रूप में आपके समक्ष रखा है। अगर आपको इस तरह के और सवाल मिलते हैं तो आप उन्हें हल करिएगा, और जाहिर है कि जहाँ हम यहाँ तो दोनों की लागतों बराबर थी, कास्ट फंक्शन में अगर दोनों के मान आप रखेंगे तो दोनों के बराबर आएंगे, क्योंकि वाई वन वाई टू के मान एक ही हैं, उनके स्क्वायर करेंगे तो भी दोनों के मान एक होंगे, और इस रूप में जो लागत की दशाएं दोनों की एक हैं, इसी नाते दोनों के उत्पादन की मात्रा, दोनों के लाभ सब बराबर आएँ। अगर लागत की दशाएँ अलग अलग होंगी तो जिसकी लागत की दशा आप कहिए कि फेवरेबल होगी, अर्थात जिसकी लागत कम होगी उसका मार्केट में शेयर ज़्यादा होगा, उसके लाभ ज़्यादा होंगे, और जिनकी लागतें ज़्यादा होंगी उनके अपेक्षाकृत कम होंगे। तो आज हम ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं, और इस रूप में आप इसे देखेंगे, आगे के फिर मिलते हैं। धन्यवाद।